हेलो फ्रेंड्स, हम मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है और गुड मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ सुबह सुबह। एक साइड में हम चाय दूध गर्म कर रहे हैं और एक साइड में चाय बना रही हूँ। आप लोग भी आकर के पी लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग भूल जाते हैं, हमको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बड़े बड़े यूट्यूबर को बस आगे बढ़ाते रहिएगा आप लोग, छोटे छोटे लोग को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए आप लोग भी। और मैं भी आप लोग का वीडियो देखती हूँ, टाइम मिल जाता है तो मैं ज़रूर देखती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में आप लोग हेल्प कीजिए। मुझे आप लोग की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। देखिए, बातें करते करते मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई। मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी गए हैं, सुबह का टाइम हो रहा है, उनका सुबह ही ड्यूटी है। तो मैं अपने लिए और मेरा बड़े वाला बेटा वो चाय पियेंगे। ऐसे तो नहीं बनाती हूँ चाय, कभी कभार बनाती हूँ मैं अपने लिए। मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा करके चाय पीते हैं। और देखिए, चाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ सब्जी, आलू गोभी और मटर की सब्जी बना रही हूँ। और नाश्ता में जो सब्जी बना रही हूँ वही खाने में भी हो जाएगी। ज़्यादा करके मैं सब्जी बना रही हूँ और थोड़ी सी पूरी तलूँगी, सब्जी और पूरी नाश्ते में बनाऊँगी। आप लोग भी देख लीजिए आलू गोभी की सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ। इस तरह से बनाने में तेल बहुत कम लगता है। मैं मतलब और भी तरीका है बनाने का, लेकिन मैं इस तरीके से आप लोग को दिखा रही हूँ। और कभी दूसरे वीडियो में और दूसरे तरीका से भी बताऊँगी आलू गोभी का सब्जी बनाने के लिए। तो देखिए, प्याज को हम मिक्सी में हल्का सा ही पीसे थे और प्याज डालने के बाद गोभी डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। और फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाला और थोड़ी सी नमक डाल दी हूँ अभी। और देखिए, मेरी गोभी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। इसमें दो टमाटर पीस ली हूँ मिक्सी में ही। और मसाला है हल्दी, लहसुन, मिर्ची, जीरा मरीच, यही सब का पेस्ट डाली हूँ मैं। और इसमें फिर मटर डाल दूँगी और इसे अच्छे से हम चलाएंगे, भून लेंगे। मसाला भून जाएगा फिर हम इसमें बाद में आलू ऐड करेंगे, क्योंकि आलू अभी डाल देंगे तो वो उबला हुआ आलू है तो इसमें क्या होता है कि आलू मिल जाएगा, तो इसीलिए पहले इसको भून लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू। देखिए, आलू हम ऐड कर दिए हैं, भून गया था मेरा मसाला। और गोभी, गोभी सीज भी गई है आधी। अब हम इसमें ऐड कर दिए हैं आलू और इसे अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। और पानी आप अपने फैमिली के हिसाब से रख सकते हैं, नहीं तो सूखा भी रख सकते हैं। ये सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। और देखिए, मेरी सब्ज़ी अच्छी भुन रही है। जो मसाला चिपका हुआ है उसे भी मैं निकाल देती हूँ। और ये देखिए, कढ़ाई में एक भी मसाला नहीं लगा हुआ है। और देखिए, इसमें मैं पानी डाल दी हूँ। मुझे जितना मतलब मेरे फैमिली में हो जाएगा मैं उतना ही पानी इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और यह सब्ज़ी जो है मेरे नाश्ते में और दोपहर के खाना खाने में दोनों में काम आ जाएगी। और फिर मैं पूरियाँ के लिए आटा लगा रही हूँ। देखिए, मैं बना रही हूँ, इसमें मंगरेला डाली हूँ काली वाली, और तेल और नमक डाल के इसे पहले अच्छे से मिला करके फिर इसे हम आटा तैयार कर लेंगे और बनाएंगे इसकी पूरी। बच्चे लोग जग गए हैं, बच्चे लोग को अंश मेरा छोटा वाला बेटा और लक्ष्मी दोनों नहा ली है। और दोनों को देखिए, मैं पूरियाँ तल के आ गई हूँ, हमको फैन चला दो खाने के लिए दे रही हूँ। छोटा वाला बेटा मेरा ये लो, ये लो अंश, अंश
तेज कर देते हैं। खा लो अपने से हंस, ये हंस खा लो अपने से। कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। अब खा लो, ठीक है, बाय बाय कर दो वीडियो में। स्कूल में पढ़ाई करने में अच्छा लगता है। हाँ, और खाना बनाने में। खाना बनाने में? हाँ। तो तुम खाना बनाना? नहीं, स्कूल में। स्कूल में पढ़ाई करोगे? हाँ, वीडियो बन रहा है। हाँ, वीडियो बन रहा है, तुम्हारा वीडियो बना रहा। अच्छा लग रहा है सब्जी लक्ष्मी? हाँ हाँ, पापा कुछ बोल रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ। पूरी दो लक्ष्मी, पूरी लगी मारूंगा। हाँ, किधर क्या देख रहे हो? कौन सा कार्टून है ये? छोटी आनंद। किसको किसको पसंद है? मेरे को पसंद है अंश। हाँ। और लक्ष्मी को भी पसंद है? पूरी कौन बनाई है लक्ष्मी? अब मिलेंगे एक नए अच्छे से वीडियो के साथ, और तब तक मिल के बाय बाय।